भारत में सनातन वैदिक काल से ही अग्निहोत्र का बड़ा महत्व रहा है। हवन यज्ञ, जिसे हम अग्निहोत्र बोल रहे हैं, ये वैदिक युग में व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग हुआ करता था। वेल गुरु लोग, यदि आप आज भी ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जितनी भी पूजन की शुरुआत आज हम लोग करते हैं या उसका समापन करते हैं, वो जनरली अग्निहोत्र या हवन से ही किया जाता है। यही छोटी सी बात बहुत अच्छे से दर्शाती है हवन की महत्वता को सनातन धर्म में, और इसीलिए आज ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी महत्वता के साथ साथ हम इसकी वैज्ञानिकता को भी समझें, क्योंकि नहीं तो आज इस महंगाई के युग में हर दूसरा व्यक्ति ये खड़े होकर कहेगा कि घी और हवन सामग्री का अग्नि में डालना तो धन का अपव्यय है, राइट? तो आप जानते हैं कि क्यों अग्निहोत्र को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी हमारे पूर्वजों और हमारे ऋषियों द्वारा, और इसकी वैज्ञानिक महत्ता क्या है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अग्निहोत्र के संबंध में आधारभूत वैज्ञानिक विचारों पर बात करने से। पहली बात तो ये समझना आवश्यक है कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वातावरण में फैल जाता है। अग्नि का काम स्थूल पदार्थ यानी रॉ या ग्रॉस मटेरियल को सूक्ष्म या माइक्रो रूप में परिवर्तित कर देना है। जैसा कि यज्ञ करते समय अग्नि में घी डालते हैं, वह घी कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म घी के परमाणु के रूप में बदल जाता है। पहले जो घी एक कटोरी में रखा था, अब वो परमाणुओं के रूप में पूरे घर में फैल जाता है। ऐसे ही हवन सामग्री के रूप में डाले गए गुगल, जायफल, जावित्री आदि जैसे सुगंधित द्रव्य और जड़ी बूटियां सूक्ष्म रूप में बदल पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं। जैसे यदि एक लाल मिर्च को आप अपने पास रखते हैं तो वो ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी, संभावना है कि आप पर भी उसका कोई अफेक्ट ना पड़े। वहीं आप उसे कूटने लगे तो आसपास के बैठे लोग थोड़ी तकलीफ महसूस करेंगे, और वहीं यदि इस लाल मिर्च को आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वेल ऑब्वियसली वो पूरे घर में फैल जाएगी, घर में बैठे और आसपास के लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि का काम है स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म कर देना, और कोई भी पदार्थ सूक्ष्म होने के बाद एक स्थान पर कैद ना रहकर वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाता है। तो हाँ, अब इस बात को मैं आसान भाषा में आप तक पहुँचाऊँ तो इसे ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु पदार्थ को जब आप अग्नि में डालते हैं तो उसका क्षेत्र विस्तार होता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। अब दूसरी बात जो समझने योग्य है वो ये है कि किसी पदार्थ के अग्नि में डाले जाने से पदार्थ का गुण भी बढ़ जाता है। अग्नि का काम स्थूल वस्तु पदार्थ को सूक्ष्म बनाकर उसका क्वांटिटेटिव परिवर्तन कर देना ही नहीं है, बल्कि उसका गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन कर देना भी है। तभी तो जब अग्नि में मिर्च को डाला गया तो वह मिर्च सिर्फ घर भर में फैल ही नहीं गई, बल्कि साथ ही साथ उसकी तेजी भी कई गुणा बढ़ जाती है। तो हाँ, स्थूल पदार्थ जब अग्नि में पड़कर सूक्ष्म हो जाते हैं तब उनका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी हो जाता है, साथ ही साथ प्रभाव की गहराई भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जब अग्नि में गुगल आदि सुगंधित द्रव्यों को डालते हैं तो उनकी सुगंध सारे घर को महका देती है। अब हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अग्नि के प्रमुख दो काम है, पहला तो ये शुद्ध करती है, और यदि वस्तु का अपना कोई गुण है तो उसे वायुमंडल में फैला उसका क्षेत्र विस्तार और उसके प्रभाव को बढ़ा भी देती है। और यही एक प्रमुख कारण है कि क्यों आपको सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर यूकिलिप्टस ऑयल या उससे बने कैप्सूल को पानी में उबाल उसकी भाप लेने को बताता है, क्योंकि उससे उस औषधि का क्षेत्र विस्तार तो होता ही है, साथ ही साथ सूक्ष्म परमाणुओं के विभक्त हो जाने से औषधि का गुण भी बढ़ जाता है। और ये अग्नि का आधारभूत सिद्धांत है, जिसे सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि एलोपैथी, होम्योपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी स्वीकार किया जाता है और इस्तेमाल में लिया जाता है। वेल, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो सीरीज की अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इनकेस वो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेचैन मैच पर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय मां भारती।